दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भाग 5 के बारे में। मैंने 1, 2, 3, 4 भाग जो है वो अभी तक डाल चुका हूँ, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है इसके मैं 5 वर्षों से जो पूछे गए प्रश्न लेकर आया हूँ, जो व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 1000 प्रश्नों का संकलन है। तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, मैं आगे भी जितने भी जब तक 1000 प्रश्न पूरे नहीं हुए जब तक मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो अभी तक मेरे चैनल को अपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य है। दोस्तों, आप एक कॉपी और एक पेन भी ले सकते हैं, मैं जब तक प्रश्न और 4 ऑप्शन पढूं तब तक आप उसका सही आंसर लगा सकते हैं, और जब 50 प्रश्न पूरे हो जाए तब आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपको 50 में से कितने नंबर आए। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? पूर्व में स्थित राजस्थान और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, या फिर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो पूर्व में स्थित है वो कौन कौन से 2 राज्य है? छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का नाम ने दिया था, जो मध्य प्रदेश का है दोस्तों, नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, पेशवा बाजीराव ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर ज्योतिबा फूले ने? तो जो मध्य प्रदेश का नाम है दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तीसरा प्रश्न दोस्तों, विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कौन सा है वो? माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरे का, शाह, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न चौथा, किस नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टाने 100 फीट तक की वृद्धि करती है? ताप्ती नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी, या फिर चंबल नदी? 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शाह, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी, कौन सा है? एक चौकोर में बाघ, एक वृत्त में साल का पेड़, एक वृत्त में बरगद का पेड़, या फिर एक चौकोर में बरगद का पेड़? 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें सही बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शाह, मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक है दोस्तों वो है एक वृत्त में बरगद का पेड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 6ठा प्रश्न है, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है कौन से जिले हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन में से बताना है, रतलाम और उज्जैन, शाहपुर और राजगढ़, भोपाल और जबलपुर, या फिर दोस्तों द इंदौर और बालाघाट? 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सा जिले हैं जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों द इंदौर और बालाघाट, ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगले प्रश्न है दोस्तों 7वां, भारतीय मानक मध्यान्ह है, इसके ऑप्शन हैं 22 सही 1/2 डिग्री पश्चिम देशांतर, 22 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश? 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है कि जो भारतीय मानक मध्यान्ह है वो क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल संख्या है कितनी? दोस्तों कुल संख्या 5 है 7 है 9 है या फिर 25 है? तो इसकी संख्या जो है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजना की कुल संख्या है 5। तो इसका आंसर आ जाएगा आ। अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां कि निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है? कौन सा दोस्तों होशंगाबाद में? चंबल राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्य जीव अभयारण्य, डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर बांधवगढ़ वन्य जीव अभयारण्य? 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है कि वो कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो होशंगाबाद में है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो होशंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों 10वां कि वह अभयारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है कौन सा है दोस्तों? कान्हा, घाटी गांव, चंबल, या फिर घड़ियाल? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों घाटी गांव।
अगला दोस्तों 11वां प्रश्न कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, चंबल, संजय सागर या फिर सरदारपुर। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगला प्रश्न दोस्तों 12वां, डॉल्फिन किस अभयारण्य के नदियों में पाई जाती है, चंबल, घड़ियाल, सदरपुर या फिर शिवपुरी। चार ऑप्शन दोस्तों, उसमें से बताना है कि जो डॉल्फिन है वो कौन से अभयारण्य की नदियों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों चंबल, जो डॉल्फिन है वो चंबल अभयारण्य की नदियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां, सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं, ये पेड़ होते हैं सदाबहार होते हैं दोस्तों, पर्णपाती होते हैं, शंकुधर होते हैं या फिर अल्पाइन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो पेड़ है ये पर्णपाती होते हैं। अगला प्रश्न है 14 कि घड़ियालों का प्रजनन स्थल है तो कौन सा अभयारण्य है, सोन अभयारण्य है, कान्हा अभयारण्य है, घाटी गांव या फिर कुंवारी। चार ऑप्शन दोस्तों, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सोन, जो घड़ियालों का प्रजनन स्थल सोन अभयारण्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, कौन सा जिला है दोस्तों जो अफीम के लिए जाना जाता है, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर या फिर सिंधी। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है। जो अफीम उत्पादन जिला वो है दोस्तों मंदसौर, मंदसौर में अफीम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कछुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ किस नदी में पाई जाती है, किस नदी में पाई जाती है दोस्तों, चंबल नदी में, सोना नदी में, जामनी नदी में या फिर कुंवारी नदी में। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सोन नदी, जो कछुआ की दुर्लभ प्रजाति है दोस्तों वो सोन नदी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 17वां, चंबल, जामनी और कुंवर इस नदी की द्रोणी का एक हिस्सा है, गंगा, नर्मदा, यमुना या फिर दोस्तों चंबल। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों गंगा, जो चंबल, जामनी और कुंवर गंगा नदी के द्रोणी का एक हिस्सा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 18वां, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में दोस्तों सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, जामनी, चंबल, बेतवा या फिर गंभीर। चार नदी है दोस्तों, इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली जामनी नदी है। अगला प्रश्न है, कुमारी है, कुमारी जो है दोस्तों क्या है, सिंधु की सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है, चंबल नदी का एक भाग है या फिर ग्वालियर में मानव निर्मित नहर है। चार ऑप्शन दोस्तों, इसमें से बताना है कि जो कुमारी है वो क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो दोस्तों जो कुमारी है वो सिंधु की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है, दोस्तों लगभग पूछा है, 1000 किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर है, 515 किलोमीटर है या फिर दोस्तों 3200 किलोमीटर है। दोस्तों इसमें लगभग पूछा है, तो अपने एमपी में दोस्तों 1077 किलोमीटर बहती है और अपने भारत में बहती दोस्तों 1312। दोस्तों 1000 तो हो नहीं सकता क्योंकि कम है और 515 भी नहीं हो सकता और 3200 बहुत ज़्यादा हो सकता, तो दोस्तों लगभग में अपने क्या लगाएंगे 1300। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों 1300 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि कपिल धारा, मंदधार, दूनवा धार में क्या समानता है, दोस्तों इसमें समानता बतानी क्या है। ये सभी सहायक नदियां हैं, तीनों हैं दोस्तों क्या सहायक नदियां हैं, सभी ज्वार नद मुख हैं या फिर सभी झरने हैं या फिर दोस्तों सभी डेल्टा है। इसमें से बताना है कि जो कपिल धारा, मंदधार और दूनवा धार ये क्या है, इनमें समानता क्या है। तो दोस्तों ये क्या है, ये सभी झरने हैं। अगला है दोस्तों 22वां, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, दोस्तों तो पहली नदी हो गई नर्मदा नदी, अब दूसरी नदी का पूछा है तो कौन सी है, ताप्ती नदी है, चंबल नदी है, रीवा नदी है या फिर सोन नदी है। दोस्तों मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हलाली जलाशय जिस नदी पर उसे पहले क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों, थाल, रीवा, तवा या फिर जामनी। तो उसे दोस्तों थाल कहा जाता था, इसका आंसर जाएगा दूसरा प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है, तो नर्मदा नदी है दोस्तों उस पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बरगे, सरदार सरोवर, तिगरा बांध या फिर बारना बांध। चार ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों जो नर्मदा नदी है उस पर सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है दोस्तों कि NBPCL से तात्पर्य है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, नर्मदा बचाओ प्रोग्राम, नेशनल ब्यूरो फॉर प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर दोस्तों द नेशनल बेसिन प्रोजेक्ट। चार ऑप्शन है दोस्तों, उसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर है, किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, या फिर दोस्तों राजस्थान में। तो इसका आंसर सही आंसर आ जाएगा दोस्तों कि जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हलाली किस जिले में स्थित है। दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूज कर देते हैं, हलाली नहीं है, हलाली डैम है। तो इसका आंसर बताइएगा कि रायसेन में है, बड़वानी में है, डिंडोरी में है, या फिर दोस्तों अशोकनगर में। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है कि जो हलाली डैम है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है कि जो हलाली डैम है दोस्तों वो रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेमेल युग में पहचान है। बेमेल पहचान है दोस्तों, चार ऑप्शन है। तो ये प्रश्न गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि अपने को एक बेमेल बताना था, पर इसमें दो बेमेल निकल रहे। कौन कौन से दोस्तों? एक तो ये अपना आ रीवा मांडू, और एक द पगारा भोपाल। दोस्तों रीवा में मांडू नहीं है और पगारा भोपाल में नहीं है। तो इसका दोस्तों कन्फ्यूजन में है, जो एक अपने को सही बताना था पर इसमें दो युग्म गलत निकल रहे हैं। तो इसका शायद जब ये पेपर हुआ होगा दोस्तों तो इसका अपने को इसका नंबर मिले होंगे। जो मांडू है दोस्तों वो रीवा की जगह दोस्तों धारा था, और यहाँ भोपाल की जगह दोस्तों मुरैना था। जो पगारा है दोस्तों वो मुरैना में स्थित है, और जो मांडू है दोस्तों वो धार में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ी सी गलती हुई है, मिस्टेक है इस प्रश्न में। अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो बरगी परियोजना है दोस्तों किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, महानदी पर, सोन नदी पर, या फिर दोस्तों चंबल नदी पर। तो दोस्तों बरगी परियोजना है दोस्तों वो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? सतना में है, जावद में है, देवास में है, या फिर दोस्तों उमेदपुरा में है। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो बैंक नोट प्रेस है दोस्तों वो कहाँ पर? देवास में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जली का काम किस क्षेत्र की विशेषता है? किस क्षेत्र की विशेषता दोस्तों? ग्वालियर की है, उज्जैन की है, टीकमगढ़ की है, या फिर दोस्तों चित्रकूट की है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, जो जली का काम ग्वालियर क्षेत्र की विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता है, जो चतुर्भुज मंदिर है दोस्तों उसके मुख्य देवता कौन है? भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, भगवान राम है, या फिर दोस्तों भगवान चतुर्वेदी हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि चतुर्वेद मंदिर है, जो चतुर्भुज मंदिर है दोस्तों उसके मुख्य देवता भगवान विष्णु है। अगला प्रश्न है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ स्थित है? जो सुंदर महल है दोस्तों जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ स्थित है? ओरछा में है, मांडू में है, खजुराहो में है, या फिर दोस्तों कंदरिया में। चार ऑप्शन दोस्तों, इसमें बताना है कि जो सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये ओरछा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जोड़ी मिलन और होली के त्योहारों को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता है? देवों को थल, भगोरिया, फाग, या फिर लोक रंग, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में जोड़ी मिलन और होली के त्योहारों को भगोरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 35वां, ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया था वहाँ है? किस नमूने के आधार पर बनाया गया था दोस्तों? मांडू में होशंगशाह का मकबरा, रीवा का कपिल दरवाजा, शाहपुरा का धारणा, या फिर सांची स्तूप। चार ऑप्शन दोस्तों, इसमें से बताना है कि ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा आ, मांडू में होशंगशाह का मकबरा। अगला प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह का एक सार्वजनिक संगीत उत्सव है कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, या फिर ग्वालियर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों कि तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर का एक सार्वजनिक संगीत उत्सव है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उज्जैन का एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है कौन सा है दोस्तों? भगोरिया है, लोटा और फाग है, कुंभ मेला है, या फिर जोड़ी मिलन और होली है। तो दोस्तों उज्जैन का एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार कौन सा है? कुंभ मेला है। तो इसका सही आंसर जाएगा शाह। अगला प्रश्न है, गोंड द्वारा सूअर की बलि को प्रचलित रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? लरुगज, झावा, हलाली, या फिर मरगी। चार ऑप्शन दोस्तों। तो इसका सही आंसर है कि जो गोंड द्वारा सूअर की बलि को प्रचलित रूप से, इसका आंसर आ जाएगा लरुगज कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है कौन सी? दोस्तों भील है, गोंड है, कोरकू है या फिर बेगा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली भील जनजाति है। अगला प्रश्न है, आजादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गाँव को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए धीमपुरा, इंदौर, रीवा या फिर मंडला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये धीमपुरा नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों 41वां, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की? ग्वालियर स्टेट यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जिसे अब इंदौर विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, भोपाल के राजा भोज कॉलेज में या फिर दोस्तों उज्जैन के सिंधिया कॉलेज में। चार ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की। तो इन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जिसे अब इंदौर विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई पूरी की। अगला प्रश्न है कि 1950 से 1956 के बीच पहले मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री थे कौन थे? दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र, रविंद्र शुक्ला, कैलाश नाथ काटजू या फिर दोस्तों शिवाजी राव। अच्छा प्रश्न दोस्तों, 1950 से 1956 के बीच में बताना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, रविशंकर शुक्ला, ये दोस्तों 1950 से 1956 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, वसुंधरा राजे राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री है, वे किसकी बेटी है? किसकी बेटी है दोस्तों? जब ये पेपर आया था दोस्तों तब का प्रश्न है ये, भोपाल के नवाब के, उज्जैन के राजा, ग्वालियर के महाराजा या फिर दोस्तों इंदौर के पानीकर, एक इनकी पुत्री हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो वसुंधरा राजे राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो ग्वालियर के महाराजा की बेटी हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक का नाम बताइए। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक है दोस्तों, उनका नाम क्या है? पंडित निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, अनुपमा देवी या फिर उस्ताद साहिब परवेज खान। चार ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है कि जो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध सितार वादक है उनका नाम पंडित रविशंकर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है 45वां, भील जनजाति का समुदाय मूल रूप से हैं कृषक हैं, शिकारी और योद्धा हैं, व्यापारी हैं या फिर खानाबदोश चरवाहे हैं। चार ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है। तो भील जनजाति का समुदाय मूल रूप से शिकारी और योद्धा है। अगला प्रश्न की ओर पढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, किसने की थी? चार्ल्स कोरिया ने की थी, सर जॉन मार्शल ने की थी, मार्शल डुरंडन ने की थी या फिर सर थॉमस रो ने की थी? अच्छा प्रश्न दोस्तों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सर जॉन मार्शल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 47वां, रेवा कुंड में स्थित है, जो रेवा कुंड है दोस्तों वो किस में स्थित है, कहाँ स्थित है? उज्जैन में, इंदौर में, चंदेरी में या फिर दोस्तों मांडू में। चार ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है कि रेवा कुंड कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो रेवा कुंड है वो मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिस जनजाति का मूल पेशा कृषि है वहाँ है, किसका है दोस्तों? पनिका और कायोवा का, गोंड का, भील का या फिर गुज्जर का। चार ऑप्शन दोस्तों इसमें से बताना है कि जिस जनजाति का मूल पेशा कृषि है वहाँ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, ए पनिका और कयो का जो जनजाति है दोस्तों, ये मूल पेशा इसका कृषि है। अगला प्रश्न है कि नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे APJ अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया वह कौन है? सुमित्रा महाजन, वाजिद खान, आदित्य जोशी या फिर मीरा कुमार। चार ऑप्शन दोस्तों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा वाजिद खान, यानी कि इसका सही आंसर है बा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों 50वां, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे कौन थे दोस्तों? ये मंसूर अली खान, मोहम्मद अब्दुल अली, वाजिद अली या फिर जहांगीर मोहम्मद खान। चार ऑप्शन दोस्तों इससे बताना है कि भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, मंसूर अली खान। दोस्तों 50 प्रश्न थे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।